Good morning, students. It's your English teacher, and I am Nimathu from DAV Public School, Sikar. Today we will do exercises, chapter 2 for class 8, Wonderful Ways, part 4. Part 4 we will today. We will do today part 4. Question number 3. Question number 1st, 2nd had completed, and today we will do question number 3rd, and it is true or false. Write true or false. इनमें आपको बताना है true है ये बात या false है. तो इसमें जो number 1 जो है वो है the king had ordered डिनर और डिनर इन द पैलेस. तो इसमें क्या है कि जो राजा था उसने ऑर्डर दिया था क्या एक डिनर का इन द पैलेस महल में. तो ये जो स्टेटमेंट ये जो सेंटेंस है वो क्या है ट्रू है. तो यहाँ पर सही लिखेंगे. और नंबर टू क्या है कि नो वन हैड हियर ऑफ और इसे अवेयर बिफोर. इसमें क्या पूछा है कि नो वन कि किसी ने भी ना तो सुना था एच ई ए आर डी एम सब सुना था ऑफ और टेस्टेड और टेस्ट भी नहीं किया था. किसका किसका टेस्ट नहीं किया था एवियल का पहले. तो पहले कभी एवियल जो कि वो चीज एवियल नाम की जो बीज थी किसी ने ना तो सुनी थी और ना ही कभी टेस्ट की थी. तो ये बात भी क्या है ट्रू है. नंबर थ्री है द cook had planned 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 to make another dish using the vegetable sticks using the वेजिटेबल स्क्रैप्स. इसमें बताया कि जो कुक था उसने प्लान किया था क्या कि वो अनदर डिश बना लेगा उसकी कोई डिश बना लेगा और उसमें वो वेजिटेबल स्क्रैप्स जो है उनको यूज करेगा. तो उसने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था. वो तो उसने महाराजा ने ऑर्डर दिया था उसके बाद में उसने सोचा था. इसका ऐसा कोई प्लान नहीं था. तो सो इट इज फॉल्स. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो क्या है. इसमें आपको बताना है नेम सम ऑफ द थिंग्स which are thrown away at home or in school. आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं ऐसी थिंग्स के नेम बताने हैं जो कि आपके घर पे या स्कूल में वो चीज़ें हम फेंक देते हैं उनकी ऐसी चीज़ों के कुछ नाम बताने हैं. तो आपको देखो
इसमें आपके आता है एक तो स्क्रैप्स ऑफ पेपर होते हैं जो आपके घर में भी हो जाते हैं और स्कूल में भी बहुत से स्क्रैप्स ऑफ पेपर रहते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तो इनको हम फेंक देते हैं। और नंबर टू आपके आता है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो होते हैं ये भी आप कुछ नई चीज़ें खरीदते हो तो आपके पास में आ जाते हैं, लेकिन इन्हें भी हम फेंकने के काम में लेते हैं। नंबर थ्री है लीव्स। जो लीव्स होती हैं उन्हें भी फेंका ही जाता है। और इसके अलावा आपके आते हैं लेफ्टओवर फूड, जो बचा हुआ खाना होता है उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, घरों में फेंक दिया जाता है। लेफ्टओवर क्या होता है, जो खाना खाने के बाद में बच जाता है उसे कहते हैं लेफ्टओवर फूड। तो इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फेंकने के काम में आती हैं। आप इस यदि आपको इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं तो आप उनको भी लिख सकते हो। इसके अलावा देखो कुछ ऐसी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे घरों में क्लोथ्स होते हैं ना, जो पुराने क्लोथ्स होते हैं उन्हें भी कुछ लोग जो होते हैं वो फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो फेंकने के काम में आती है, तो इनको आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक पे, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये क्या है, थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज ऐसे आप कुछ इंटरेस्टिंग तरीके आपको सोचने हैं, विच दे कैन बी मेड, जिससे कि क्या किया जा सकता है, क्या चीज, ये जो वेस्ट आइटम्स होते हैं ना इसके लिए यहाँ पर दे वर्ड यूज हुआ है, विच दे कैन बी मेड यूजफुल। ये जो आपको अभी बताई थी कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जो घर पर और स्कूल में भी कहीं पर भी ये क्या करने के काम में आती है, फेंकने के काम में आती है। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके आप सोचो जिससे कि इनका हम रीयूज कर सकें, इनको दोबारा यूज में ले सकें। अब देखो जैसे कि नंबर वन है आपके स्क्रैप्स ऑफ पेपर, तो स्क्रैप्स ऑफ पेपर जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इसका इनका यूज क्या होता है, इनका यूज होता है जैसे ये मेटेरियल है या थिंग्स है ना, थिंग्स है और ये इनका यूज है। जैसे स्क्रैप्स ऑफ पेपर जो होते हैं इनका हम क्या यूज कर सकते हैं, स्क्रैप जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आपके नोटबुक में बच जाते हैं ना, तो वी कैन राइट ऑन देम, हम उनके ऊपर लिख सकते हैं है ना, और या फिर वी कैन राइट ऑन देम और डू रफ वर्क, ठीक है, कोई रफ वर्क जो होता है आप उस पर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप पे इसका रीयूज हो जाएगा, जैसे आपकी नोटबुक होती है और जब फिल हो जाती है तो उसमें कुछ पेजेस जो होते हैं वो गैप रह जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उन पर अपने मैथ्स के जो सम्स होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये रीयूज हो जाएगा इनका, ये वेस्ट नहीं जाएंगे स्क्रैप्स ऑफ पेपर। और इसके अलावा आपके आता है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो होता है इससे हम कुछ क्या बना सकते हैं, इनसे हम कुछ न्यू थिंग्स बना सकते हैं है ना, वी कैन मेक नई चीजें, जैसे बॉक्स बना सकते हैं इसका है ना, वी कैन मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम देम।
और जैसे आप कहते हैं न्यू थिंग्स भी बना सकते हैं, या फिर कोई बॉक्स बना सकते हैं आप इसका, डस्टबिन बना सकते हो, है ना। जैसे कि आपके एन ये आपको बता देते हैं, जैसे आप डस्टबिन बना सकते हो ऑर्डरों का, या बॉक्स बना सकते हो, है ना। अब ये जो बॉक्सेस होती हैं इनमें आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे बॉक्सेस रख सकते हो। नंबर थ्री है आपके लीव्स। देखो जो गार्डन में ड्राई लीव्स होती हैं, है ना, ये जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा यूज में आने की होती हैं, है ना। तो इसका हम क्या बना सकते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ड्राई फ्लावर्स भी होते हैं जो गार्डन में होते हैं या कहीं पर भी मिल जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका मेक कंपोस्ट बना सकते हैं, इसकी खाद बना सकते हैं। और ये जो होती है बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए, तो ये बहुत अच्छा यूज है इसका, है ना, जिन्हें हम फेंक देते हैं। और नंबर फोर है आपके लेफ्ट ओवर फूड। देखो लेफ्ट ओवर फूड होते हैं जो खाना बच जाता है, तो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इसको हम किसी भी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। वी कैन गिव नीडी पर्सन, कोई भी जरूरतमंद जो इंसान होता है उसको हम दे सकते हैं जिसको इसकी जरूरत होती है, बचा हुआ खाना। कोई तो ऐसा इंसान होता है जिसको खाना मिलता ही नहीं है, और हम यदि कोई जैसे खाना कभी ज़्यादा बन जाता है, है ना, जैसे हमारे घर पे कोई बड़ा फंक्शन होता है और खाना बच जाए, तो हम इसको फेंकने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद इंसान को यदि दे दे वो खाना, तो वो उसके काम में आ जाएगा और वो जो खाना होता है वो फेंकने के लिए भी वेस्ट नहीं होगा। और ऐसे ही आपके ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, है ना, ओल्ड क्लोथ्स जो होते हैं ये आपके कहाँ पर रहते हैं, घर पर रहते हैं, आपके जो पुराने कपड़े होते हैं इनको भी हम क्या किसी जरूरतमंद जो पर्सन होता है उसको दे सकते हैं, है ना। तो इसका भी ये सेम ये यूज है कि वी कैन गिव टू एनी नीडी पर्सन। किसी भी नीडी पर्सन को दे सकते हैं, जो जरूरतमंद इंसान होता है उसको दे सकते हैं। तो ऐसे और भी आइडियाज होंगे आपके पास, तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, जो आपके भी माइंड में आते हैं इनके अलावा हों तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हैज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैज कंप्लीटेड टुडे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।